तो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कोरोना को लेकर देश में अलर्ट जारी किया गया है और केंद्र से लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। क्रिसमस और नए साल को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय नई गाइडलाइन भी तैयार कर रहा है। देखिए, एहतियात पर जोर है, कोरोना कमजोर करना है कोरोना को। एयरपोर्ट पर अब मुफ्त में हवाई यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और एयरपोर्ट पर विदेशी फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की भी कोविड टेस्ट कराए जाएंगे। देश में एयरपोर्ट पर 24 दिसंबर से कोविड की रैंडम सैंपलिंग शुरू हो रही है। एयरपोर्ट पर मुफ्त में हवाई यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। एयरपोर्ट पर विदेशी फ्लाइट से आने वाले 2% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग होगी। एयरपोर्ट पर एंट्री पॉइंट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। हवाई यात्रा के लिए हर यात्री का वैक्सीनेटेड होना अब जरूरी है। फ्लाइट में बैठे यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी है। 27 दिसंबर को देश भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर इमरजेंसी मॉक ड्रिल होगी। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, ये जरूरी है। ताजमहल से में सैलानियों को कोविड टेस्ट के बाद ही एंट्री मिलेगी। जी हाँ, तो ताजमहल अगर देखने जा रहे हैं तो टेस्टिंग के बाद ही आपको वहां पर एंट्री मिलेगी। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में जाने वालों के लिए मास्क पहनना अब जरूरी होगा। ये नई गाइडलाइन है, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना है और जो उसके लक्षण है वो भी आपको दिखा रहे हैं। BF7 ये नया वेरिएंट है जो कि बेहद खतरनाक है। इसके लक्षण है पेट में अगर दर्द होता है तो भी ये इसके लक्षण है, आपको जांच करानी चाहिए। उल्टी, दस्त हो, ये नए वेरिएंट के लक्षण है। सिर में तेज दर्द हो, थकान महसूस हो, कप कप महसूस हो, जैसे ठंडी में आमतौर पर या बुखार में आपको वैसा महसूस होता है। अनिवार्य रूप से अब आपको मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करें ताकि कोरोना से पूरा देश लड़ सके। दूसरों से हाथ मिलाने से बचे, हाथ जोड़कर अभिवादन क्या कीजिए, अब हाथ मिलाने से बचिए, परहेज कीजिए, बार बार हाथों को सैनिटाइज कीजिए और हाथों के की अच्छे से सफाई कीजिए, अच्छे से साबुन से 2-4 मिनट तक हाथों की सफाई कीजिए। घर में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखिए। आंख, नाक और मुंह को बार बार छूना नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से बचे, अगर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जाए, घर आए तो कपड़े बदले, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जाने से बचे, अगर जरूरी है तो मास्क लगाकर जाए, सावधानी के साथ जाए, सैनिटाइजर रखें, सोशल गैदरिंग और शादी पार्टियों में जाने से बचे, कोरोना टीकाकरण कराए, बूस्टर डोज जरूर लगवाए, अनिवार्य रूप से मास्क पहने। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं उनके लिए खास अपील है कि बूस्टर डोज लगवा ले, नहीं तो फ्लाइट की टिकट भी अब आप लेकर भी नहीं जा पाएंगे। दूसरों से हाथ मिलाने के लिए बचे, अब इसके लिए मॉक ड्रिल भी की जाने वाली है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और तमाम जगहों पर जो पर्यटन स्थल है वहां भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। हाथों की अच्छे से साफ सफाई करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, आंख, नाक और मुंह को बार बार न छुए, पूरी सावधानी बरतें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से परहेज करें और अगर जा रहे हैं तो फिर मास्क लगाएं, कोशिश करें भीड़भाड़ वाली जगहों पर 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, एक दूसरे से हाथ मिलाने से परहेज करें और कोरोना को लेकर सतर्क रहें। पूरी दुनिया में कोरोना लौट आया है और एक बार फिर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं।